दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और अभी आपके सामने ऑल न्यू महिंद्रा एस्पेरासो इलेक्ट्रिक। नहीं दोस्तों, ये है महिंद्रा एटम इलेक्ट्रिक, जो कि महिंद्रा की एक कॉन्सेप्ट गाड़ी आप इसे कह सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा छोटी, बहुत ज़्यादा बजट ओरिएंटेड एक इलेक्ट्रिक कार है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसे सिटी राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, डेली ट्रैफिक के लिए यूज़ करते हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत सही है। फॉरेन मार्केट्स में भी इसको शायद शोकेस किया गया है, लेकिन इंडियन के लिए स्पेसिफिक इसको दिखाया गया है। सीटिंग कैपेसिटी अगर मैं बात करूं तो सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में सही मिलती है। फ्रंट का लुक के बारे में बात करने वाला कुछ है नहीं इसमें, बिल्कुल बॉक्सी डिज़ाइन दिया गया। लेकिन इस गाड़ी की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इसके इंटीरियर्स। जो इंटीरियर्स आपको इसमें मिलेंगे वो कुछ ये है। डोर्स अच्छा वाइड ओपन होता है इसमें, और फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में ड्राइवर सीट में बात करेंगे, सिंगल ड्राइवर सीट आपको ऑफर की गई है। एक तरीके से महिंद्रा की एंट्री लेवल आप इसे बजट कार कह सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक डैशबोर्ड आपको सिंपल डिज़ाइन रखा गया है, कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन है, मतलब कॉस्ट कटिंग ऐसा कुछ नहीं की है, लेकिन जितना भी कुछ दिया गया है वो एडिक्वेट है सेगमेंट के हिसाब से। और अगर आप हेडरूम की बात करें तो प्रॉपर आपको उसमें हेडरूम मिलने वाला है, ग्लास विंडो एरिया। ये व्हीकल वहाँ ज़्यादा अच्छे आएंगे जैसे गोल्फ कार्स होती है, वो चीज़ें होती है, उन चीज़ों में ये अच्छा आपको एक बढ़िया सराउंडिंग दे रहे हैं और एक तरीके से आपकी एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल भी है क्योंकि इलेक्ट्रिक है। बाकी स्पेस देखें, ये कुछ देखें तो पूरा स्पेसिंग आप देख सकते हैं। ये टू डोर कार है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि थर्ड डोर भी हो। बाकी सर को अपनी सीट्स को आगे करना होगा, फिर जो पैसेंजर्स है वो अपने इनग्रेस ईग्रेस कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप पीछे देखें तो हेडरूम देखिए, प्रॉपर आपको हेडरूम मिलने वाला है। गाड़ी ऐसा नहीं है कि आपको ये 60-70 की स्पीड में भगानी है, 25 किलोमीटर के आसपास इसकी टॉप स्पीड की होगी। रेंज भी इसमें नियर अबाउट 50 किलोमीटर्स की होने वाली है। एसी आपको उसमें ऑफर किया जाता है। रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव के आप सारे कंट्रोल्स देख सकते हैं। एक स्मार्टफोन इसमें इंटीग्रेट किया गया है जो कि आपके डेली कम्यूटिंग के लिए वर्क करने वाला है। एक पावर आउटलेट आपको मिलेगी और ये कुछ है। अगर मैं आपको इसके पूरे डोर पैनल दिखाऊं, बहुत सिंपल डिज़ाइन रखा गया है, मतलब एक तरीके से एंट्री लेवल पेनिट्रेशन का प्लान है महिंद्रा का, जो कि बहुत अच्छी तरीके से मैं इसे कहूँगा। रियर का डिज़ाइन आपको दिखाऊँ तो रियर का डिज़ाइन फ्रंट के मुकाबले अच्छा लगता है, एक अलग डिज़ाइन लगेगा आपको रियर का। इसका ऐसा कुछ है, देखिए रियर का डिज़ाइन सच में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि यही फ्रंट का डिज़ाइन है। बाकी एक तरीके क्योंकि ओवरऑल आप बताइए आपको कैसे इसका पूरा रिस्पांस लग रहा है। बाकी ये गाड़ी एक तरीके से ऐसे जैसे कि आप गोल्फ कार्स देखते होंगे, और अपने अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो ये आप अंदर उसको सर्कुलेट करने के लिए ले सकते हैं। देखिए ये ओवीएम भी देखेंगे, ये भी आपको एक नॉर्मल डिज़ाइन के साथ मिल जाती है। ये इस गाड़ी के पूरे साइड का लुक। तो अगर आपको और ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानना हो तो वीडियो को कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी महिंद्रा ने एक बहुत बढ़िया काम करा, जो आपको KUV दिखाई आपके सामने, जो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन दिखाया आपको, और ये आपके सामने एक और पावर ट्रेन है जो कि मेन चीज़ है, इसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि है मैस्मा 350। तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में जाइए, वीडियोज़ में जाइए, और मेरी नई से नई वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब के बटन को अभी दबाइए अगर आपने नहीं दबाया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। बाकी सही है यार, अगर आप चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको दी गई है महिंद्रा इलेक्ट्रिक का आपको लोगो मिलने वाला है इसमें। और अगर आप बात करते हैं इसमें टायर साइज़ की, तो देखिए C8 के टायर्स मिलते हैं इसमें आपको, 135/70 रेडियल 12 का टायर है। सस्पेंशन ड्यूटी भी परफॉर्म करते हैं इसके आपको, जो इसमें स्प्रिंग कॉइल्ड सस्पेंशन। तो गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।